रामायण एक ऐसी स्टोरी है जिसे टीवी पर दिखाकर कोई भी डायरेक्टर फेल नहीं हो सकता, फिर चाहे वो एनिमेशन के द्वारा दिखाया गया हो या फिर रियल लाइफ एडेप्टेशन के द्वारा दिखाया गया हो। लेकिन देखो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत ने। अब देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आदि पुरुष में कौन कौन से पॉजिटिव और कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मैंने दोनों ही पॉइंट्स को काफी क्लियरली आपके सामने रखा और आपको ये बताया कि इस मूवी को असल में एक मूवी की तरह देख सकते हो, लेकिन ये रामायण कतई भी नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें डाली गई है जो कि इसके अंदर होनी नहीं चाहिए थी। अब देखो, पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस मूवी को मैं एनिमेटेड मूवी कहूं या फिर रियल लाइफ एडेप्टेशन कहूं। खैर, चाहे जो भी हो, आदि पुरुष एक फेलियर से कम नहीं है। अब बेशक इसने 2 दिन में 200 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा लिए हो, लेकिन ये मूवी है भी तो रामायण के बेस पर ही बनी हुई ना। इतने पैसे कमाना तो इसके लिए बहुत नॉर्मल सी बात होनी चाहिए। अगर डायरेक्टर ओम राउत रामायण की ओरिजिनल कहानी और कैरेक्टर्स को दिमाग में रखकर इस मूवी को बनाते ना, तो ये मूवी 2 ही दिन में ना आराम से 500 से 600 करोड़ रुपए कमा सकती थी। लेकिन देखो, जिस तरीके का मॉडर्न रूपांतरण उन्होंने आदि पुरुष को दिया है, वो लोगों को एक आंख शोभा नहीं दे रही है। स्पेशली इसके डायलॉग्स लोगों को इतने नापसंद आ रहे हैं कि मूवी मेकर्स उन्हें पूरी तरह से हटाकर वापस री-रिलीज करने की बात कर रहे हैं। अब इतने ज्यादा हेट के बीच मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर आपका भरोसा इंडियन डायरेक्टर्स के ऊपर एक बार फिर से बन जाएगा। जिन रामायण मूवीज और टीवी सीरियल्स की मैं बात करूंगा, वो अपनी कैटेगरी के बेस्ट मानी जाती है, और अगर ये मूवीज आज सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो गए तो आदि पुरुष से भी ज्यादा पैसे कमा लेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। नंबर 1, रामायण 1987। दोस्तों, साल 1987 में रिलीज हुई टीवी सीरियल रामायण इंडिया के हर दिल में बसता है, और मैं ऑफिशियली कह सकता हूँ कि आज के जमाने में इस सीरियल की टक्कर कोई भी मूवी या शो नहीं कर सकता। जब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था, तब उसका बेस्ट वर्जन लिखा था। उसे किसी भी तरह से बदलने की कोई भी जरूरत नहीं थी, और बस यही चीज रामानंद सागर ने दिमाग में रखकर रामायण सीरियल को डायरेक्ट किया। भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके निष्ठावान भाई लक्ष्मण की कहानी पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ इस सीरियल में दिखाया गया है। अब ये सीरियल इतना ज्यादा सुपरहिट था कि इसमें काम करने वाले एक्टर्स अपने रोल्स की वजह से हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। और होते भी क्यों नहीं, जिस डेप्थ और आस्था से इन एक्टर्स ने परफॉर्मेंस दी है वो किसी भी तारीफ से बढ़कर है। स्पेशली अरुण गोविल ने जिस तरह से राम के कैरेक्टर को निभाया है, आज भी जब लोगों के मन में राम का नाम आता है तो उनका ही चेहरा सबके दिमाग में आता है। एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री ने कैरेक्टर्स की इमोशनल रेजोनेंस और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दी थी। रामायण में कहे गए डायलॉग्स आज आइकॉनिक बन गए हैं। अब जिस तरह के फिलोसॉफिकल और मोरल टीचिंग्स इन डायलॉग्स में दिए हैं, आज उसकी फैन एक पूरी ही पूरी जनरेशन है। रविंद्र जैन द्वारा बनाए गए म्यूजिक ने सीरियल को वो नेक्स्ट लेवल दिया था जो बहुत सारे नए टीवी सीरियल्स मिस करते हैं। सोलफुल गाने जैसे कि रामायण चौपाई और मंगल भवन अमंगल हारी आज हर एक मंदिर और पूजा घर में सुनने को मिल जाएंगे। अब जरा सोचिए कि सीरियल को 1987 में बनाया गया था जब प्रोडक्शन कॉस्ट और टेक्नोलॉजी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी सेट डिजाइंस, कॉस्ट्यूम्स और विजुअल इफेक्ट्स में किसी भी तरह की कमी नहीं की गई थी। अयोध्या और लंका जैसी एंशियंट जगहों को बेहद ही अच्छी डिटेल के साथ बनाया गया है। इसके अलावा भी जितने भी लोकेशंस हैं, उन सभी ने ऑडियंसेस को इम्प्रेस किया है। दोस्तों, आज के समय में ये सीरियल एक कल्चरल इम्पैक्ट बन गया है। जब लॉकडाउन के समय इसे एयर किया गया था, तो पहले 4 एपिसोड्स को 90 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल गए थे। इससे पता चलता है कि नए जनरेशन के लोग भी इस सीरियल के बहुत बड़े फैन हैं। नंबर 2, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। जब साल 1992 में ये एनिमेटेड मूवी रिलीज की गई थी ना, तब मुझे नहीं लगता कि किसी ने सोचा होगा कि ये फ्यूचर में जाकर एक कल्ट फॉलोइंग क्रिएट कर लेगी। आज जहां आदि पुरुष को फेक और टपोरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने की वजह से ट्रोल किया जा रहा है, वहीं इस एनिमेटेड मूवी को अपनी टीचिंग्स, एनिमेशन, डायलॉग्स और म्यूजिक की वजह से उतना ही सराहा जा रहा है। और देखो, शॉकिंग की बात तो ये है कि इस मूवी को एक जापानीज डायरेक्टर ने बनाया था। जापानीज और इंडियन एनिमेटर्स दोनों ने इस सुपरहिट मूवी को बनाने में काम किया है। आप भी ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट स्टाइल और जापानीज एनिमेशन टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन इस मूवी में देख सकते हो। अब इसका ब्रेथ टेकिंग एनिमेशन इसकी जान है। जिस तरह के कलर्स, डिटेल्स, फ्लूइड मूवमेंट्स और आर्टवर्क इसमें दिखाया गया है, आपकी आंखें चाहकर भी स्क्रीन से हट नहीं पाएंगी। देखो, सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये विजुअल इफेक्ट्स ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जिस तरह के महल और दूसरे बैकग्राउंड सेटिंग्स आप मूवी में देखते हैं ना, एक्चुअल में एंशियंट समय में ऐसी ही बिल्डिंग्स इंडिया में हुआ करती थी। अब इसकी स्टोरी लाइन भी बेहद इंगेजिंग है। मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि जापानीज होने के बाद भी
इसके डायरेक्टर इंडिया के ट्रू एसेंस को दिखाना चाहते थे। एनिमेटेड होने के बाद भी रामायण के कोर वैल्यूज और टीचिंग्स को बहुत ही इमोशनल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और म्यूजिक के तो यार क्या ही कहने, आज भी जब मैं श्री रघुवीर की वानर सेना का गाना सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस मूवी ने रामायण की एपिक स्टोरी को वर्ल्ड के हर कोने तक पहुंचाने में मदद की है। आज भी आप इसे अनगिनत बार बिना बोर हुए देख सकते हैं। नंबर 3, रामायण द एपिक। दोस्तों, साल 2010 में रिलीज हुई रामायण द एपिक एक नए जनरेशन के लिए बनाया गया मूवी था। उस वक्त 3D एनिमेशन टेक्निक के द्वारा बनाया गया एनिमेटेड मूवीज ट्रेंड में चल रहे थे। अब डायरेक्टर चेतन देसाई ने इसी का इस्तेमाल करके विजुअली रिच मूवी का निर्माण किया। कैरेक्टर की अटेंशन टू डिटेल, लैंडस्केप्स, एक्शन सीक्वेंस और दूसरी हर चीज मूवी को विजुअली बेहद ही सुंदर बना देती है। मॉडर्न होने के बाद भी डायरेक्टर ने कोर स्टोरी और कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया है। मूवी के बैटल सीक्वेंस सबसे ज्यादा तारीफ के काबिल है। एक्शन को बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है। मूवी के किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं लगा कि एनर्जी की कोई कमी है। इस मूवी की वॉइस कास्ट भी बेहद सॉलिड थी। मनोज बाजपेयी ने राम की आवाज दी है, वहीं सीता को जूही चावला ने आवाज दी है। अब एक नए जनरेशन को रामायण की टीचिंग्स इस मूवी ने बहुत अच्छे तरीके से दी थी। नंबर 4, हनुमान 2005। दोस्तों, ये एग्जैक्टली रामायण की कहानी तो नहीं है, लेकिन इस मूवी से हमारे बचपन की अटूट यादें जुड़ी हुई है। आखिर कौन हनुमान मूवी के इस गाने को भूल सकता है। बहुत यूनिक तरह के इस मूवी ने पूरे रामायण को हनुमान के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया था। अब बचपन से लेकर एंड तक ये मूवी हनुमान की पूरी जर्नी को एक अलग एनर्जी के साथ दिखाती है। इसकी बहुत सारी कहानियां हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हनुमान का रोल रामायण की कहानी में कितना बड़ा था, इस मूवी ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। अब इस साल 2005 की मूवी को विजुअली बहुत अट्रैक्टिव बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग और वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल करने में मूवी के डायरेक्टर्स बिल्कुल भी नहीं घबराए हैं। इसके अलावा कैरेक्टर डिजाइनिंग और एक्शन सीक्वेंस को भी ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट किया गया है। मूवी का म्यूजिक इसका मेजर हाईलाइट है। हनुमान चालीसा को भी गाने के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अब इस मूवी ने जिस तरह से हनुमान के डिवोशन और लॉयल्टी को दिखाया है, वैसे किसी और मूवी ने नहीं दिखाया था। स्पेशली मूवी का वो एंड सीन जब हनुमान अपनी छाती चीर कर राम भगवान को दिखाते हैं, इस सीन को देखते वक्त हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अब जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब ऑडियंस और स्पेशली बच्चों से इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। इतना अच्छा कि साल 2007 में इसकी सीक्वल मूवी हनुमान रिटर्न्स को रिलीज किया गया और ये मूवी भी सुपर हिट साबित हुई थी। नंबर 5, सिया के राम। दोस्तों, साल 2015 से 2016 तक चला पॉपुलर टीवी सीरियल सिया के राम इस लिस्ट में अपना नाम पूरी तरह से डिजर्व करता है। जिस तरह का क्रिटिकल एक्लेम इस सीरीज को मिला था, ऐसे किसी दूसरे नए जनरेशन के रामायण सीरियल को नहीं मिला। ये सीरियल रामायण की कहानी को सीता माँ के पर्सपेक्टिव से दिखाता है। ये एक बहुत ही यूनिक और फ्रेश चीज थी। सीता माता के थॉट्स, इमोशंस, स्ट्रगल्स, उनकी स्ट्रेंथ, डिवोशन, ये सब कैसे उन्हें स्ट्रांग बनाती है, इस सीरियल ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था। अब शो में कास्ट किए गए एक्टर्स ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मुद्राक्षी मंडल सीता के रूप में और आशीष शर्मा राम के रूप में लोगों को स्पेशली बहुत ही पसंद आए थे। इन दोनों एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री ने सीरियल को और ज्यादा एंटरटेनिंग बना दिया था। इस सीरियल ने पर्सनल बॉन्ड्स को दिखाने में भी काफी ज्यादा जोर दिया था। सीता और राम के बॉन्ड, सीता और उनकी बहनों का बॉन्ड और राम और उनके भाइयों का बॉन्ड, उनके बीच के हर चैलेंजेस और सैक्रिफाइसेस आप खुद फील कर पाएंगे। अब विजुअली भी ये शो बहुत ज्यादा अच्छा है। पहले कुछ एपिसोड्स देखकर भी आप समझ जाएंगे कि सेट डिजाइन और प्रोडक्शन टीम ने काफी मेहनत की है। शो को दोनों ही यानी व्यूअर्स और क्रिटिक्स से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। लोगों को स्पेशली ये पसंद आया था कि कैसे सीता माँ के कैरेक्टर को पावरफुल और इंडिपेंडेंट दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये थे 5 बेस्ट रामायण के ऊपर बने मूवीज और सीरियल्स। अब आपको इनमें से कौन सा पसंद आया है? वेल, मुझे पता है रमानंद सागर सबसे टॉप लिस्ट पर है, इसलिए नंबर 1 पे वही होगा। वैसे आपका इसमें से कौन सा फेवरेट है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम मूवी, जो कि एनिमेटेड सीरीज में थी। वैसे रामानंद सागर की रामायण भी बहुत ही अच्छी है। आप अपनी फीलिंग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।